ऑटोग्राफ में? ऑटोग्राफ मिलना थोड़ा मुश्किल है, but there's something else I can give you. और वो क्या है? Sir, one question, please. आप लोग जानना चाहते हैं ना? ये कौन? दादी, पर ये दोनों अपने रिलेशन को मीडिया के सामने एक्सेप्ट ही नहीं करते. अरे बुद्धू, जितना सस्पेंस रहेगा लोगों का इंटरेस्ट इसकी लाइफ में रहेगा, और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही ये डिमांड में रहेगा. Well, it was 2012, of course. हम दोनों एक साथ एक कोला की एड शूट कर रहे थे और वही से शुरुआत हुई हमारी दोस्ती की. सर, विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है. मैं तो बस एक ही सूत्र समझता हूँ, वो है काम सूत्र. That's so funny. काम means work. मैं अपना काम करता हूँ और घर जाता हूँ, और यही है मेरे सक्सेस का सूत्र. क्या है? काम सूत्र. No more questions. सर, क्या कर रहे हो? सब ठीक है. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. क्या कहा आपने? खड़े हो जाइए. मैंने कहा उठो यहां से. कंप्लेंट करोगे मेरे खिलाफ? जाओ निकलो. देखता हूं आपकी आपकी फाइल कौन पास करता है यहां पे. ब्लडी लूजर्स. एक मिनट सर, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए. आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? एक मिनट सुरेश, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं यार? जिसे आप लूजर फेलियर कह रहे हैं ना, वो एक सामी ऑफिसर है सर, और काम नहीं है उसके पास. काम करने की जरूरत नहीं है उसे सर. गवर्नमेंट घर में बैठने के पैसे देगी उसे. हम बहुत सिंपल लोग हैं सर, सीधे साधे लोग. वो मैरिज हॉल हमारे इनकम का एकमात्र सोर्स है. बहुत ईमानदारी से चलाते हैं, टैक्सेस भरते हैं सर, कोई गलत काम नहीं करते. और बेवजह आपने उस पर जुर्माने लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए. हमें जानना है कि क्यों लगाया आपने जुर्माना. हमारे पेपर किस लिए सब किए गए हैं? ये 73 रुपए लगाकर आता है सर यहाँ पे हर रोज. हाफ डे लेता है ये ऑफिस से, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए. अपने लिए सब कर लेते हैं सर, दूसरों के लिए कोई जूते नहीं घिसता. ये एकमात्र इंसान है जो ऐसा करेगा. थैंक यू. चलो सुरेश. सुनिए, अब आप लोग अपनी फाइल यहाँ पे रखे जाइए. मैं कोशिश करूंगा आपकी पेनाल्टीज माफ हो जाए. प्लीज. सुरेश देखिए, सॉरी मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, थोड़ा गुस्से में था. कोई बात नहीं सर, मुझे आदत है सुनने की. प्रज्ञा, मैंने तुम्हें ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा. मैं खुद बात कर सकता था ना. तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, आज मैंने दे दिया, क्या हो गया? अरे पर मैं तो हमेशा सही का साथ देता हूँ. सही गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी मैं. क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास लोगों में से हो. मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ ही है. हाँ, वो तो है ही आंटी जी, पर मेरी बहन को भी तो आशीर्वाद देना होगा ना. हाँ, तेरी बहन को भी मैं आशीर्वाद. तेरी बहन को? और नहीं तो क्या आंटी जी, उसी की शादी की तो बात कर रहा हूँ, उसी के लिए तो हॉल बुक करा रहा हूँ, और आप उसी को आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? तो तू अभी तक अपनी बहन की शादी की बात कर रहा था? आपको क्या लगा? मुझे तो लगा तू अपनी शादी की बात कर रहा है. मेरी शादी किसके साथ? तुझे भी नहीं पता था ना कि ये अपनी बहन की शादी की बात कर रहा है? अरे कौन है ये? पीएमसी से आए हम लोग और ये मैरिज हॉल को सील करने. सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी नहीं भरा है आप लोगों ने. अरे नहीं नहीं सर, हमने हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, बस पेपर है सर. आपने जो भी भरा है बहुत लेट भरा है. अब सामने से हटो, हमें हमारा काम करना है. सर सर देखिए, बिना नोटिस के ना आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते. हाँ ये रही नोटिस की कॉपी, पढ़ लो. अरे ये काय करता है, लोकल का सामान बेच रहा है. वो जो करना है वो कर लेना, आता हमसे काम करो. गया चला बहुत ज्यादा. आप मेरी बात सुनिए, मैं उनसे बात करता हूँ. अरे भाई साहब आप उनसे क्यों? अरे ये लोग ऐसे मत करिए, नोटिस कराना है. ये सब क्या हो रहा है? मेरी परमिशन के बिना तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? सर वो पुराना नोटिस. सर ये देखिए ना, ये नोटिस.
आइंदा मेरे सिग्नेचर्स के बिना कोई भी नोटिस कहीं पर भी लेकर गए ना तुम लोग, तो तुम लोग को बहुत भारी पड़ेगा। सॉरी सर, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। हरियाणी जी ये क्या करें, आप तो बड़े हैं हमसे। ये तो आपकी बेटी आज ऑफिस आई थी हमारे, तो हमने सोचा कि हम ही आकर यहाँ पे आपके हॉल का इंस्पेक्शन कर लें। आराम से बैठ जाओ इधर। बैठो बैठो बेटा, जानकी पानी लिया। क्या हो गया पुत्र? अभी का नया सॉन्ग बेटा, वो ना बीएमसी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस भेजा है। आंटी आप भी कमाल करते हैं, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? हम है ना यहाँ बैठे, आपके मैरिज हॉल की तरफ अगर किसी ने एक नजर भी घुमाई ना, हम उसकी आंखें फोड़ देंगे, हम वादा करते हैं आपसे, आप विश्वास रखिए। बेटा जी अब तो सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। सच बताएं आंटी, अब तो हमें आपसे उम्मीदें हैं। आपको हमसे मतलब? हम चाहते हैं कि आप हमारा एक छोटा सा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो। I'm sorry, कौन सा प्रपोजल? आपकी बहन से शादी का प्रपोजल। अजी देखिए, हम बहुत खुश रखेंगे उसको। आप सोच भी कैसे सकते हो? अभी तो मेरी बड़ी बेटी प्रज्ञा की शादी भी नहीं हुई। अरे बस इतनी सी बात? आंटी फिर तो आप प्रज्ञा की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। हमारे पीछे बहुत सारे IAS IPS लड़के घूमते रहते हैं, हम बहुत अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ आंटी जी, आराम से सोचिए, हम कल फिर आएंगे आपका फैसला सुनने के लिए। हाँ आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, हाँ हॉल का सारा डिसीशन हमारे हाथ में है, चलते हैं। बुलबुल, बुलबुल, माँ मन कर रहा कि घुमा के चाटा मार दूँ तुझे। बोला है ना एक जगह टिक के बैठा कर, तेरे कदम तो कहीं टिकते ही नहीं। पर अरे कैसे कपड़े पहन रखे तूने? ढंग के कपड़े हैं नहीं तेरे पास? अरे माँ आप बोल के रहे दी ये माँ माँ। हाँ बता ना इसे प्रज्ञा की हुआ क्या है? हमें बता रही हूँ ना, आप बता रही है बच्ची के कपड़ों के पीछे पड़ गई। दादी तू मुझे बताएगी क्या हुआ है? बोल ना दी क्या हुआ है? वो जो कॉर्पोरेटर आया था ना, उसे शादी करनी है तुझसे। समझ में नहीं आ रहा सुरेश, एक तरफ मैरिज हॉल है, दूसरी तरफ बुलबुल की पूरी जिंदगी है। सब ठीक हो जाएगा प्रज्ञा। कैसे ठीक हो जाएगा सुरेश? सब ठीक उन घरों में होता है जहाँ जहाँ सब होते हैं। जिस घर में सिर्फ औरतें होती है वहां तो पापा के जाने के बाद मैंने अकेले ये घर संभाला है। रात दिन एक करके वो मैरिज हॉल चला है, हमारे घर को कभी कभी एक आदमी की कमी नहीं महसूस होने, हम सबको पापा की कमी महसूस नहीं होने, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें हर रोज कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी होगी आज समझ में आ रहा है मुझे। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को भी हिम्मत हो जाती है यार हमारी जिंदगियों से खेलने की, कोई भी आकर हमें ब्लैकमेल करता है। मेरी छोटी बहन से शादी करवाने के लिए मजबूर कर सकता है हमें। मैं जानती हूँ कि ये मैरिज हॉल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा घर चलता है इससे, लेकिन सुरेश बुलबुल मेरी छोटी बहन है, मैं उसे इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहती। सुरेश मैं क्या करूँ, मैं बुलबुल के साथ ही नहीं होने दूंगी मेरी। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। कॉर्पोरेटर से मेरे लिए लड़ी थी, जब कोई आपके लिए दुनिया से लड़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अब मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ूंगा। क्यों? तुम मेरे लिए खास लोगों में से हो। जस्ट इमेजिन अगर मैं उससे शादी करूंगी ना तो मेरे पास सब कुछ होगा, एंड वैसे भी वो मुझे घूरता था ना, पता है आपको क्यों घूरता था वो मुझे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। He loves me, मां।
और वैसे भी खिड़की में बैठकर कब तक मैं आसमान को देखती रहूंगी माँ? मुझे ना उड़ना है, प्लीज मुझे उड़ने से मत रोकिए, ओके? माँ, माँ कुछ नहीं हुआ है, अब आप बैठिए। नहीं हुआ ना कुछ, आप तुम उसे कॉर्पोरेटर के ऑफिस लेके गए थे? इस सिचुएशन को ना दूसरे नजरिए से देखो तो हो सकता है आंटी जी कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, कमी क्या है उस लड़के में? अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, अच्छे ओहदे पर भी है। हम जो अपनी बुलबुल को नहीं दे पाए ना वो सब उसे देगा। माँ आपने बुलबुल को सब कुछ दिया, इतनी अच्छी परवरिश दी है, उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए माँ। वो कोई आसमान में उड़ना उड़ना नहीं चाहती माँ, वो सिर्फ इसलिए बोल रही ताकि हम पर आसमान ना टूटे। लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी जाया नहीं करने देंगे माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे किसी की। टूटे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। मुझे लगता था कि जिंदगी में तुम कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, तुम भी परफेक्ट नहीं हो। यू आर नॉट अ कंप्लीट मैन। तो बताइए कॉर्पोरेटर साहब, ये रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को दिखा दूं? बहुत पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। दीदी गले मुझे नहीं सुरेश को लगा। सब तुमने किया कैसे? मैं बताती हूँ माँ, एक्चुअली सुरेश के एडवाइस पर मैं कॉर्पोरेटर के ऑफिस जा रही थी उसे शादी के लिए हाँ कहने, लेकिन रास्ते में मुझे सुरेश ने एक आइडिया दिया। तुम उसको हाँ इसलिए बोल रही हो ना ताकि तुम्हारी फैमिली खुश हो, पर तुम्हें भी पता है कि अगर तुम हाँ बोलोगी तब भी वो दुखी हो। तो फिर मैं क्या करूँ यार? थोड़ी सी ना एक्टिंग करनी पड़ेगी बस। फिर क्या, मैंने ना उसे जाकर कह दिया सुनो मैं ना उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वो फूल फूलों का बुके लेके घर तक पहुंच गया। मैंने सपने भी नहीं सोचा था दी कि सुरेश का इतना डांसू आइडिया होगा। वैसे प्यार में आदमी क्या कुछ नहीं कर देता है ना। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। चाय तो पीता जा। जीजा जी शर्मा गई तुझे तो। सच जितना ही लड़का हमारे घर के लिए करता है ना उतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। हमने घर जरूर बनाया लेकिन इसकी हिफाजत तो यही करना है, यही है मैन ऑफ द हाउस। अरे आप लोग बैठ जाइए प्लीज, जिसे उठना था वो उठ गया है, आप लोग बैठ जाइए वरना शायद आप लोगों का नंबर लग जाएगा। डैडी जी, ये क्या हो गया आपको? डैडी जी आप हमें इस तरह छोड़कर चल, एक बार भी आपने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा? अरे बीवी के बारे में नहीं सोचा ना से, कम से कम अपनी बेटी के तो बारे में सोच लिया होता। हाउ शी लिव विदाउट यू डैडी जी, कैसे जिएंगी वो आपके बिना? हाउ घर जैसे रिश्ते थे हमारे, लाइक फैमिली। वैसे उम्र क्या थी उनकी? क्या थी उनकी उम्र? 87। That's it. अरे अभी खेलने कूदने के दिन थे उनके, पोते पोती ओके, लेकिन नहीं जल्दी में थे। He was in hurry. Why? मेरा एक फोटो निकालना उसके साथ। हाँ, हाँ। अभी भी आना चाहिए और मैं भी। हाँ। सर एक फोटो। हाँ। सर उस फोटो के साथ में। चल पूरा बना मैं रहूँ तुम्हारा। प्लीज एक पिक, वन पिक प्लीज। अभी जी प्लीज एक पिक। आप प्लीज बैठिए प्लीज। सर 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 कुछ फैमिली के बारे में बोल दीजिए, 15 मिनट की बात हुई थी हमारी। इतने पैसे में इतना ही, अगले चौथे पे डिस्काउंट दूंगा। प्लीज स्टॉप।
नहीं अरविंद, यहाँ नहीं है। यही डब्बा है ना? हाँ यार, डब्बा तो यही है, मैंने लिखा तो हुआ था। तो फिर आंटी किधर गई? देखो से, चल चल भाई साहब, बुरा मत मानिए पर झाड़ू ऐसे लगाते हैं क्या? कितना कचरा छोड़ा हुआ है यहाँ पे, लाइए इधर दिखाइए झाड़ू। भाई साहब छोड़ ना यार, हर पैसेंजर अपनी सैलरी से टिकट खरीदता है और उस पैसे से आपकी सैलरी बनती है। छोड़ ना यार, चलना भाई। अरे अरे यार, ये झाड़ू लगाइए आप, दिखाइए आप झाड़ू लगा भाई, चलना। हाँ कर लो भैया। अरविंद तू खींच क्यों रहा है? भाई खींचू ना तो तू पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर दे। काम कर रहा था तू, कमाल की बात मान लिया भाई। लेकिन एक तो तेरी माँ नहीं मिल रही तो इन चक्रों में लगेगा क्या? एक मिनट, क्या हुआ? हेलो, हाँ प्रज्ञा। सुरेश प्लीज जल्दी घर आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ। क्या हुआ? तुम पहले घर आओ, बहुत अर्जेंट बात है। अच्छा ठीक है, हम आ रहे। मैं और बुलबुल कर लेंगे, आप बैठ जाओ। आजकल की लड़कियां ना कुछ काम ही नहीं करने। प्रज्ञा, अरे प्रज्ञा, अरे आंटी, रच्चू आप पर, मैं तो आप लोगों को स्टेशन पे ढूंढ रहा था और आप। मैं इन्हें लेकर आई यहाँ। तो क्या तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मतलब मैं और अरविंद स्टेशन पे ढूंढ रहे हैं अम्मा को। अरे तुमने कहा मुझे बताया था जब बुलबुल के साथ प्लान बनाया था। हेलो, तो क्रेडिट मत ले ओके। एक्चुअली ये प्लान मेरा था, आंटी जी और रचना को यहाँ बुलाने का, सोचा कि थोड़ा खातिरदारी कर लो। वैसे भी तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, है ना दी? इतने सालों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें हर रोज देखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें आज तो कुछ कह नहीं पाई। वो मेरे परिवार में सबका कितना ख्याल रखता है। बुलबुल ने भी उससे कुछ कहा और वो फौरन मान गया। क्या मुझे सुरेश से अच्छा कोई इंसान मिल सकता है? शायद नहीं, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं इससे इतना प्यार करती। अरे हाँ, ये हॉल के पेपर्स, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है जो नोटिस आपको आया था वो गलत है और आज से आपका हॉल पूरी तरह से लीगल हो चुका है, उस पर कोई टैक्स वगैरह बाकी नहीं है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी गिफ्ट, मेरी और बुलबुल की शादी की खुशी में। अरे लीजिए ना आंटी। इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा चेक कर लूं। हाँ हाँ, थैंक यू। आंटी जी सब ठीक है, ये रख लीजिए। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया आपको कि इस पर मेरे सिग्नेचर्स हैं और चाहता तो नहीं हूं पर मैं इन्हें कभी भी रद्द कर सकता हूं अगर हमारी डील में कोई भी फेरफार या हमारी डील कैंसिल हुई तो। अरे लगता है लड़के वाले आ गए। लड़के वाले? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। बिल्कुल, जरा पकड़ना। आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज, ये रहे कॉर्पोरेटर साहब, प्लीज आइए आइए। तो क्या है कि मैंने ही आप लोगों को बुलाया है। वो क्या है ना कि आप मीडिया वाले हमेशा बीएमसी और कॉर्पोरेटर साहब के बारे में उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बुलाकर उनकी अच्छी बातें भी दिखा दूं। तो बात यह है कि हमारे कॉर्पोरेटर साहब को जैसे ही पता चला कि बीएमसी वालों ने इलीगल तरीके से इन लोगों के मैरिज हॉल को बंद करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने बीएमसी के लगाए हुए सारे इलीगल चार्जेस रद्द कर दिए और खुद अपने हाथों से पेपर देने आए। अगर इनकी जगह कोई और ऑफिसर होता तो जरूर रिश्वत मांगता, लेकिन इन्होंने ना कोई शर्त रखी ना कोई रिश्वत मांगी। कितने किस्मत वाले होंगे वो माँ बाप जिन्होंने इनको पैदा किया, और कितनी किस्मत वाली होगी वो लड़की जो आपकी बीवी बनेगी, है ना कॉर्पोरेटर साहब? सही कहा ना? तो सर आपने ऐसे और कितने लोगों का भला किया है? आप लोग बाहर आइए, मैं आपको इत्मीनान से बताता हूँ, आइए प्लीज। हाँ मेरी भी शादी हो जाएगी, मेरा टाइम आएगा। अच्छा सुरेश, अब जल्दी से जाके तुम लोग हाथ मुंह धोओ, सब साथ में ही खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, माँ और रचना का सामान कहाँ पर है? आंटी जी और रचना तो यहाँ रुकेंगे ना। यहाँ? ये घर नहीं है क्या? अरे प्रक्रिया, प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए आंटी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, अपनों के लिए कैसी प्रॉब्लम, मैरिज हॉल भी तो यहाँ है ना, तो आसान होगा मैनेज करना।
ऐसे थोड़ी। अरे हाँ दीदी बोल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंटी और रचना यही रहेंगे। जाओ जाके हाथ में धोकर आओ। जाओ भाई, आज वहां मैं छोड़ जाके बोल दे बुलबुल को सब। हाँ सबके सामने तभी तो कह रहा हूँ, अच्छा मौका है, दोनों की फैमिलीज भी आई हुई हैं। भाई तूने सुना नहीं बुलबुल का प्लान था सारा यार, वो खातिरदारी करना चाहती थी अपनी सासू माँ की, और कितने इशारे चाहिए तेरे को, चाहता है वो भी वही चाहती है सच में। हाँ मेरे बाप जाके बोलते दिल की बात। मेरा कहना मानता तो शादी ना कर लेता। पापा अगर फिर से शुरू होंगी ना तो मैं खाना छोड़ूंगा। सुनना पड़ेगा, जब मैं नहीं रहूंगी तेरा ध्यान कौन रखेगा। लोग कहते हैं कि इंसान आता अकेला है और जाता भी अकेला है, लेकिन इस बीच का जो रास्ता होता है ना, उसमें एक साथी की जरूरत होती है। इंसान का वक्त कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बदलाव ही दुनिया का नियम है, दुनिया में हर चीज बदलती है, वक्त लोग मौसम, पर इन सब में जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा तेरा साथ देता है, जो तेरे भाग्य से जुड़ा होता है, जो वक्त के हर ठोकर में तेरा साथ देता है, तुझे उसकी जरूरत है। तुझे एक ऐसी लड़की चाहिए। अरे दादी मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि ये शादी वादी करने से कोई साथ नहीं देता दादी, आजकल शादियां भी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है, बेस्ट बिफोर 2 months 3 months। पता है दादी आजकल शादियों पर मेड इन चाइना का बोर्ड लग गया है, आजकल सारी शादियां मेड इन चाइना है। क्या है भाई खाने में? अरहर की दाल। वाव दादी मजा आ गया। उसमें एक साथी की जरूरत होती है, इंसान का वक्त कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बदलाव ही दुनिया का नियम है, दुनिया में हर चीज बदलती है, वक्त लोग मौसम, पर इन सब में जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा तेरा साथ देता है, जो तेरे भाग्य से जुड़ा होता है, जो वक्त के हर ठोकर में तेरा साथ देता है, तुझे उसकी जरूरत है। तुझे एक ऐसी लड़की चाहिए। अरे दादी मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि ये शादी वादी करने से कोई साथ नहीं देता दादी, आजकल शादियां भी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है, बेस्ट बिफोर 2 months 3 months। पता है दादी आजकल शादियों पर मेड इन चाइना का बोर्ड लग गया है, आजकल सारी शादियां मेड इन चाइना है। ये पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। ऐसी नहीं थी, ऐसी थी मतलब? मतलब जो अरेंज मैरिज कर ले। पता है उसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के घूमते थे, हम परेशान हो जाते थे, एकदम बुलबुली सी थी, बिल्कुल बुलबुल जैसी। और आज ऐसे अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो गई। लोग बदल जाते हैं ना सुरेश, शायद रच्चू को अपने मन का जीवन साथी ना मिला। और वैसे भी अब तो मैं भी अरेंज मैरिज नहीं करने वाली। मतलब? मतलब मुझे पहले लगता था कि अगर सोच मिल जाए तो दिल अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, अब मैं उससे शादी करूंगी जिससे मेरा दिल मिले, जिससे मुझे प्यार हो। कोई मिल गया क्या तुम्हें? तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या? अरे आ जा तुम लोग यही आ जाओ। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? नहीं, इसमें डिस्टर्ब करने क्या बात है, ये वक्त तो मेरे एंजॉयमेंट का है। रघु तू भी ले ले। ये है आपका कफ सिरप? यही है मेरा स्पेशल कफ सिरप। वैसे आज पार्टी तो बनती क्योंकि सुरेश ने प्रज्ञा को पहली बार गुलाब का फूल दिया है। ये दोनों ना एक दूसरे को घास फूस ही देते रहेंगे, और इनके बस का कुछ नहीं है। इसी स्पीड से अगर आगे बढ़ते रहे ना तो आई एम श्योर 40-50 साल में बात बन ही जाएगी। 40-50 साल क्यों लगेगी, मैं कहती हूँ कि अगले 3 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। और रियली आपके इस कॉन्फिडेंस का रहस्य तो बताइए माताश्री। तू इधर आ, पेपर में लिखा है कि अगले 3 दिन में सितारों की दशा ऐसी होने वाली है कि जिसके दिल में जो भी मुराद होगी ना वो पूरी हो जाएगी, जिससे जिससे भी प्यार होगा उससे वो मिल जाएगा, टूटे तारे को देख के मन में जो भी इच्छा रखोगे ना वो पूरी हो जाएगी,
सौ साल में ऐसा एक बार होता है और वो अगले तीन दिन में होने वाला है। इन तीन दिनों में प्रज्ञा और सुरेश का भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है तभी जब हम कुछ प्लान बनाएंगे। परसों रचना का रुका है ना, तो बस उससे पहले हमें अपने लव बर्ड्स का प्रपोजल करवाना है। रोके पे मौका, मौके पे चौका। भाई अभी तो ठीक नहीं कर रहा। अब क्या करूँ पूरब, मैं इससे स्लो नहीं चला सकता। अबे मैं गाड़ी की स्पीड की नहीं दादी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? रोज नींद की गोलियां खा रही है दादी। मान ले उनकी बात, कर ले शादी। देख पूरब, अगर तुझे इतनी जल्दी है ना तो तू कर ले शादी। कैसे? तेरे शोज, तेरे अकाउंट्स, तेरा काम कौन हैंडल करेगा ये सब? देख पूरब, मैंने तुझे पहले भी कहा है तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों मुझे गिर कर रहा है तू? तू अपना बिजनेस संभाल, उससे आगे बढ़ा। भाई चाहता तो मैं भी हूँ कि तेरा काम कोई और करे, बट जब तक मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं मिलता जो तेरे काम और तेरे पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आई कांट लेट यू गो। मैंने प्रॉमिस किया है दादी से, सो इफ यू वॉन्ट कि मैं अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करूँ तो उसके लिए तू क्या चाहता है? कि मैं शादी करूँ? नो वे। प्रॉब्लम क्या है? तू और तनु 6 महीने से साथ में हैं, जस्ट गेट मैरिड। तनु तेरे टाइप की लड़की नहीं है यार, वो बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है। उसे शादी वादी जैसी चीजें बहुत बोरिंग लगती है। यू नो व्हाट, व्हाई लाइक सो मच? क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह है, उसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। और सबसे खास बात पता है क्या है? उसे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव इट। तू इतना लोड मत ले। ये देख वो रही तेरी गाड़ी। ठीक है, बता दूंगा मैं दादी को। हे यू टर्न ऑन। दादी को अपने सपनों में जीने दे और मुझे। ओ भाई ये चल क्या रहा है? गुलाब देने गया था बुलबुल को, दे आया प्रज्ञा को, फिर यहाँ खड़े होके गुड नाइट बोल रहे प्रज्ञा को। प्लीज चुप कर यार। सही तो बोल रहा हूँ, एक बहन से प्यार दूसरी से इजहार बहुत गलत बात है भाई। कांग्रेचुलेशंस किसलिए? इसीलिए क्योंकि तेरे हीरो ने तुझे आज फाइनली रोज दे ही दिया। बुलबुल मुझे बात नहीं करनी। अरे क्यों, क्यों बात नहीं करनी? वो ऐसे ही उसने ऐसे ही। ये ले भाई। तेरी तो भाई तू तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मतलब कि तू हर रोज यहाँ खड़ा होकर प्रज्ञा के बहाने बुलबुल को देखता है। अरविंद ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वो क्या है कि बुलबुल हर रोज रात को खाना खा के 10 बजे आती है और इसी वक्त मैं और प्रज्ञा भी एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, तो फिर मैं हर रोज यू नो इसी बहाने उसकी एक झलक देख लेता हूँ और यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली खिड़की की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। पर भाई गुलाब की मिस्ट्री का क्या होगा? मतलब देख भाई, माना कि तू गुलाब बुलबुल को देने गया था, किन बुलबुल को लगा कि तूने प्रज्ञा को दिया है। इनफैक्ट प्रज्ञा भी यही सोच रही होगी, भाई कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से क्लियर कर दे कंफ्यूजन को। तू क्यों कंफ्यूज हो रही है यार, तू जानती ना वो कैसा है। थैंक गॉड, एटलीस्ट उस ढीली पतलून को इतना तो पता है कि रेड रोज ना दिया किस लिए जाता। आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर यू दी। आई नो उसका देने का ना तरीका गलत था, मेरे थ्रू दिया, बट इट्स ओके, उसे एक तो मौका देना ही चाहिए ना, वरना वो तो जिंदगी भर नहीं बोल पाता कि वो तुझसे प्यार करता है। प्रज्ञा क्यों ऐसा सोचेगी? वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वैसे भी मैंने उसे बता दिया है कि मुझे कोई पसंद है। और सोच, जैसे ही उसे मालूम पड़ेगा कि मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ तो यार वो सब हैंडल कर लेगी। इनफैक्ट वो बुलबुल को भी समझा देगी। और तुझे पता है अरविंद, उसे भी कोई लड़का पसंद है। क्या बोल रहा है? हाँ यार, उसने मुझे खुद बताया था। जो भी हो यार, मतलब क्लियर करने में कोई बुराई तो है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बुलबुल को डायरेक्टली जाके कह क्यों नहीं देता सब कुछ। भाई कंफ्यूजन में दोनों बहने पट गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यार सही बोल रहा है अरविंद, मैं ना कल ही जाकर बुलबुल से सब सच बोल दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।